हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन टॉप 5 क्वेश्चंस टू आस्क फॉर हायरिंग अ सेल्स पर्सन। अगर एक सेल्स के बंदे को आपको रखना है अपनी टीम में तो टॉप 5 क्वेश्चंस आपको जो पूछने चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बट वो क्वेश्चंस आपको क्या जानने मिलेगा अबाउट द कैंडिडेट जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हो वो भी इसमें मैं बताऊंगी। Right? So before we begin, don't forget to like the video, subscribe to the channel, click the bell icon, जिससे हमारा हर Saturday जो video आता है आप एक भी Saturday का video miss ना करो। Alright, so let's begin. आगे बढ़ो उससे पहले दो video recommendations है आपके लिए। As an SME, how to hire people, तो उसपे मैं already video बना चुकी हूँ, वो video जरूर से देखेगा। दूसरा video top qualities जो आपको sales person में देखनी चाहिए when you are interviewing them, उनको team में रखने से पहले, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो आज का हमारा टॉप 5 क्वेश्चंस, लेट्स गेट देयर। क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन से रिवॉर्ड्स है जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं? जब ये सवाल आप अपने कैंडिडेट को पूछते हो जो सेल्स के लिए हायर होने आया है आपके पास, उससे आपको ये पता चलेगा कि उसका मोटिवेशन क्या है। हर इंसान है ना, सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होता, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, औदा चाहिए, सबको अलग अलग नीड्स होती है। तो ये जब आप उनको पूछोगे कि कौन से टाइप का रिवॉर्ड आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, वो क्या चीज है जो आपको मिले कि मैंने ये काम किया है और उसमें सामने आपको मिले, तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब इस सवाल का आंसर वो देंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका रियल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्स के प्रोसेस में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल्स? क्योंकि किसी भी इंसान को कोई भी चीज बेचनी हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके हिसाब से? जब आप ये सवाल पूछते हो तो आपको उनकी नॉलेज की डेप्थ पता चलती है कि उनको सेल्स के बारे में कितना पता है, कितना आता है, क्या क्या चीजें उनको समझ आती है कि सेल्स के प्रोसेस में लगता है। इससे ये भी पता चलेगा कि उस इंसान को ये पूरे सब्जेक्ट या ये प्रोफाइल के बारे में कितना नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बस आ रहा है, कर लिया सेल्स और फिर आया उसके बाद पता चला अरे इसमें तो इतना सब है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो ये सारी जो बात की परेशानियां है ना वो सारी दूर हो जाएगी। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो कौन सी टॉप 5 स्किल्स है या टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो एक सेल्स के पर्सन में होनी चाहिए, ये सेल्स का प्रोफेशन जो डिमांड करता है, तो ऐसी कौन सी टॉप 5 या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है जो एक सेल्स के बंदे में होनी चाहिए? अभी जब ये सवाल आप उनसे पूछोगे तो आप पहले से ही उनको एनरोल कर रहे हो कि भाई सेल्स का जॉब चैलेंजिंग होता है। हम माने ना माने कितना भी इस पॉइंट को फाइट करें, सेल्स इज अ चैलेंजिंग जॉब। तो जब आप ये सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि बंदा पहले से एनरोल हो रहा है कि हाँ इसमें ये भी चैलेंज होता है, रिजेक्शन भी लेना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, तो वो सारी स्किल्स जो भी उसको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जब वो बोलेगा तो आपको समझ आएगा कि ये कितना एनरोल्ड है ऑलरेडी, इसको पता है कि जॉब चैलेंजिंग है, तो यू आर ऑलरेडी एनरोलिंग दैट पर्सन आपकी सेल्स की जॉब के लिए पहले से तैयारी। Right, so that is why this question is very important. Next, question number 4 है, why sales? क्यों आपको sales करना है? पहले हमने क्या उसको पूछा कि भाई वो कौन सी important चीजें होती है जो sales के बंदे या profession sales में से demand करता है कि भाई ये बंदे में ये तो चीजें होनी ही चाहिए। ये जब सवाल आप उसको पूछते हो ना कि तुझे क्यों sales करना है, तो आपको समझ आएगा कि ये जो challenges है ये उसके लिए तैयार है कि नहीं। हम जिस वॉरियर को युद्ध में लेके जा रहे हैं, क्या वो युद्ध करने की तैयारी रखता है? भले आज उसमें वो स्किल टॉप पे ना हो पर उसको पता है कि मुझे ये स्किल्स डेवलप करनी है। सो यहाँ आपको उसकी तैयारी पता चलेगी, कितना उसकी तैयारी है ऑफ टेकिंग दिस चैलेंज ऑफ सेल्स का चैलेंज उठाने के लिए। सो व्हाई डू यू वॉन्ट टू डू सेल्स, क्यों आपको सेल्स करना है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको बताऊं, उससे पहले दो अनाउंसमेंट्स है। सबसे पहले ये सेल्स टीम, नंबर 1 सेल्स टीम या गोल्ड मेडल सेल्स टीम, एस सेल्स टीम क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपके बिजनेस में, इफ यू वांट आवर मेंटोरिंग, हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में, अचीवमेंट एक्सेलरेटर में जुड़ सकते हो। ये प्रोग्राम में हम
वन ऑन वन हैंड जॉन आपको मेंटोर करेंगे मैं और मेरी पूरी टीम, सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट दिस एस सेल्स टीम फॉर यू इन योर बिजनेस. तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, हम सबके साथ काम नहीं करते हैं, आप चाहो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. हमारा आगे एक ऑन कॉल होगा, उसमें हम देखेंगे कि इफ वी आर अ परफेक्ट फिट एंड अगर हमें लगा कि यस वी आर अ परफेक्ट फिट एंड वी कैन क्रिएट वंडर्स टुगेदर, डेफिनेटली हम इसमें आगे बढ़ेंगे. तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड आई विल सी यू ऑन द अदर एंड. दूसरी चीज ये है कि इफ यू आर क्यूरियस, नॉलेज हंगरी, स्किल हंगरी, तो आप हमारे बिजनेस शिक्षा के करिकुलम में जुड़ सकते हो. इट इज अ वेरी अफोर्डेबल बिजनेस ट्रेनिंग. मेरा ओनली इंटेंशन है कि जितने लोगों को भी सीखना है ना, सीखने के लिए मेजॉरिटी लोग कहाँ अटक जाते हैं, बहुत पैसा है, कोर्सेज बहुत महंगे. तो ये चीज, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमने बिजनेस शिक्षा का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे एवरी मंथ हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे नॉलेज शेयरिंग होती है एंड स्किल डेवलपमेंट एज अ बिजनेस ओनर. जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नेगोशिएशन हो गया, हायरिंग हो गया, एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या क्या स्किल डेवलप करने की जरूरत है, उस पर प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं. सो अगर आप इस प्रोसेस में जुड़ना चाहते हो, उसकी भी लिंक नीचे है, आप जा सकते हो वहाँ पे, इमीडिएटली रजिस्टर कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन अस फॉर द अपकमिंग मंथ सेशन, राइट? सो डोंट मिस दैट आउट टू. नाउ लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है, ये मेजॉरिटी लोग पूछते भी है कि हमें तुम्हें क्यों हायर करना चाहिए, वाई शुड वी हायर यू, तुम्हें क्यों हायर करे हमारी टीम में. जब आप ये सवाल पूछते हो तो सबसे पहला उनका कम्युनिकेशन आपको समझ में आता है, दूसरा वो खुद को कैसे बेच पाते हैं, हाउ आर दे एबल टू सेल देमसेल्व्स, क्योंकि क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में. अगर वो आपके साथ ही ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे तो वो क्लाइंट के साथ कैसे करेंगे, राइट? सो ये जो है वो ये टेस्ट करने के लिए है कि उनकी सेलिंग स्किल्स अबाउट देयर ओन सेल्फ, वो किस तरह से खुद को बेच पा रहे. सो व्हाई शुड वी हायर यू, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है. तो दीज आर द टॉप 5 क्वेश्चंस. इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो आप पूछते भी होंगे, टेस्ट भी करते होंगे, सेल मी दिस पेन एंड ये वो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. मेरे हिसाब से ये टॉप 5 है जिससे आपको उनके इंटरनल माइंडसेट में, उनकी साइकोलॉजी में थोड़ा और झांकने मिलेगा, उनको और डीपर लेवल पे जानने और समझने मिलेंगे और उनकी भी पहले से तैयारी होगी कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं, जिस एसएमई के साथ जुड़े वो ऐसे ही नहीं है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उन्हें अच्छी टीम चाहिए, राइट? सो दीज आर द टॉप 5 क्वेश्चंस. आई एम श्योर आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी, कुछ चीजें आपको शायद पता होगी, शायद 5 की 5 पता हो बट वापस क्लिक हो गया कि अरे हाँ ये तो मैं पूछता ही नहीं या ये रह गया. सो यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है और आप ये जब इम्प्लीमेंट करो तो रिजल्ट मिले, प्लीज वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट, बहुत ज्यादा मुझे फ्यूल मिलता है आपकी कमेंट्स पढ़ के. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगले सैटरडे अगले नए वीडियो के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.